अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्नि, ये तुमने क्या किया? ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस आरती कर रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, इस घर में आरती करने का हक सिर्फ इस घर की बहुओं को है, और तुम इस घर की बहू नहीं हो। मैं तो इस घर की बहू बनने वाली हूँ, फिर भी दादी जी मुझे आरती नहीं करने देती हैं। फिर तुम कैसे कर रही हो? अग्नि, ये हक उसको दादी ने दिया है। वो क्या है ना अग्नि, दादी तीर्थ पे गई हुई थी और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो इस घर में आरती या तो मैं या ध्रुवी करते थे। और क्या है ना, वो भी इतने समय से तुम्हारी सेवा कर रही है, तो वो भी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है, तो इसीलिए दादी ने उसे ये हक दिया है। I'm sorry, रूही, मुझे नहीं पता था, मैंने बेकार में ही तुम्हारी पूजा में विघ्न डाल दिया। तुम प्लीज पूजा करो, प्लीज। I'm sorry. It's okay, अग्नि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाय अग्नि। यकीन नहीं हो रहा है, तुम खुद चल के मंदिर आए हो। तुम 3 सालों में कितना बदल गए। हाँ, वो तो मैं ऐसे ही आ गया, और वैसे भी इन्हीं की वजह से तुम ठीक हुई हो, तो थैंक यू तो बनता है। सो स्वीट। नहर, इधर आओ। अग्नि, इधर आओ। नहर, अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, कहीं डेट पे चलते हैं, कोई मूवी देखने चलते हैं। तो बोर हो गई हूँ घर में रहते रहते, परसों हो गया मुझे घर से बाहर निकले। अग्नि, मेरी बात सुनो, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तुम 20-25 दिन तक कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ऐसे तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। अग्नि, अग्नि, अग्नि! भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अग्नि दीदी, प्लीज, आपको ये करना ही होगा, नाहर जी की खुशियों का सवाल है, प्लीज। दीदी, इसमें जरूरत का सारा सामान है, प्लीज मां जाइए। ठीक है भाभी, ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करूंगी।
आखिर रूही करने क्या वाली है? ये नहार भी ना हर वक्त मुझे डराता रहता है। उससे ये डॉक्टर पता नहीं क्यों मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। घर में बैठे बैठे मैं तो बोर हो गई हूँ एकदम। क्या करूं, किसी काम में मन नहीं लग रहा। हाँ इसमें जरूरत का सारा सामान है, प्लीज मां जाइए। ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करूंगी। क्या सरप्राइज बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। अवनी, ये सब तुमने प्लान किया है? आई विश, पर मैं ऐसा फॉल्स क्रेडिट नहीं लूंगी। ये सारा प्लान ना रूही का था। मैं जानती हूँ अम्मी, तुम्हें घर पर बहुत बोरियत महसूस हो रही होगी, पर हम डॉक्टर की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारा मन और डॉक्टर की सलाह दोनों रह जाए। थैंक यू रूही, थैंक यू। ये अब तक का बेस्ट सरप्राइज है। मैं रूही की हिट पिक्चर को फ्लॉप करूंगी। नाहर जी, अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। मैंने अपनी दीदी से पूछ के एक रोमांटिक मूवी लगा दी है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय एंजॉय। रूही, हाँ तुम भी हमारे साथ मूवी देखो। मेरा मतलब तुम और अवनी, तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी तैयारी की है, तो साथ में मूवी भी देख लो। और हम सब थिएटर में मूवी देखते हैं तो सब साथ में ही देखते हैं ना। नहार, तुम भी ना, ये हमारी रोमांटिक डेट नाइट है। इसमें रूही और अवनी कबाब में हट्टी थोड़ी बनेंगे।
सॉरी गाइस, मेरे बॉयफ्रेंड को ना रोमांस का आर भी नहीं आता है, तो इनकी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इस शानदार रोमांटिक डेट नाइट के लिए थैंक यू। मैं मूवी स्टार्ट करती हूँ, आप दोनों बैठ जाइए। थैंक यू, चले। अरे भगवान, ये रूही तो इधर ही आ रही है, ये मुझे देख ना ले। तुझे मजबूत बनना होगा रूही, इस वक्त नाहर जी की खुशियां मायने रखती है। असली मूवी स्क्रीन में नहीं, सामने दिखेगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।